हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग राबड़िया बनाएंगे। मैंने राबड़ी बनाने के लिए मक्के का आटा लिया है, जिसको मक्के के आटे को मैदे की छलनी में छान लिया है। उसको और बारीक वाला आटा लेना होता है हमें मक्के का। तो इसके मेजरमेंट के लिए मैंने ये एक पतीली भर के मैंने आटा लिया था और चार पतीली भर के मैंने छाछ ली थी। तो आप अगर किसी भी बर्तन में बना रहे हो तो जो बर्तन भर के आप मक्के का आटा लेते हो वही चार गुना हमें छाछ लेनी होती है। छाछ हमें इसमें खट्टी होनी चाहिए, और अगर छाछ आपके पास खट्टी नहीं है तो जो छाछ है उसको आप थोड़ी देर के लिए उसको धूप में रख सकते हैं, 1-2 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले बड़े वाले बर्तन में छाछ को डाल दिया था, उसके बाद में मैंने जो आटा बताया अपना वो क्वांटिटी मैंने उसमें डाल दी थी। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी कूटी हुई मिर्ची और जीरा डाला था और नमक डाल के बस उसको चूल्हे पर रख दिया था। उसको 1-2 घंटे तक हम लोग कंटिन्यू चलाते रहेंगे। फिर चलाते तो हमें एक अलग से स्मेल आती है, खट्टी खट्टी खुशबू आने लग जाती है। तो इसका मतलब होता है कि अभी राबड़ी बनाने के लिए जो हमने बनाया है पेस्ट वो तैयार हो गया है। तो उसके बाद में मैंने ये त्रिपाल लिया था, त्रिपाल के ऊपर मैंने गीला कपड़ा घुमा दिया था। गीला कपड़ा घुमाने के बाद में ये जो गरम गरम जो राबड़ी का जो आटा बना है, गोल बना है, उसको मैंने पतीली में निकालने के बाद में एक एक चम्मच भर के त्रिपाल पे डालते रहते हैं और इसको ऐसे फैलाते रहते हैं। ये प्रोसेस हमें जल्दी करना होता है क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें सुबह सुबह के समय में राबड़ी बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बन जाती है। ये मैं गोल 5 बजे उठ के मैंने सुबह सुबह तैयार किया था, इसीलिए मैं वो गोल बनाने वाला क्लिप नहीं ऐड कर सकी इसके अंदर, इसलिए मैं आपको बोल के बता रही हूँ। तो जितना जल्दी उठ के इसको बनाते हैं उतना अच्छी बनती है ये। तो मैंने एक एक चम्मच भर के डाल दिया था। उसके बाद में आप देख सकते हैं, मैं आपको एक और इतने सारे मैंने एक चम्मच से भर भर के, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। कई लोग थाली में भी बनाते हैं पर वो एक जैसी बनती है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जो मैंने गोल तैयार किया था ना, उस गोल को आप इस तरीके से डाल के इसको फैला दें। इसको कुछ नहीं होने वाला, ये सूख जाने के बाद में, अच्छी धूप लगने के बाद में ये एकदम पापड़ की तरह हो जाएगा। अगर आप अकेले हो तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, अगर आप 2-4 जने हो तो आप थाली में भी निकाल सकते हो। थाली में पहले इस गोल को डाल देते हैं, फिर ठंडा होने के बाद में उसको तिनके की सहायता से निकाल के पापड़ के पापड़ पूरे के पूरे निकल जाते हैं। और अगर आप अकेले हो और ज्यादा मात्रा में बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, चम्मच से जो मैंने बनाया है। और एक दूसरा तरीका ये है, ये बनाने के लिए आसान रहता है हमारे लिए। सुबह सुबह जल्दी उठ के जब बनाते हैं तो इसमें हेल्प करने के लिए कोई रहता नहीं है, तो आप इस तरीके से उठ के आराम से इसको बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बन जाता है। तो देख सकते हैं, मैंने अभी इसको त्रिपाल पे निकाल दिया है। इसको इस तरीके से हमें 5 से 6 घंटे, अच्छी धूप आ रही है सुबह सुबह की ठंडी में, ये ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद में वो धूप आती है तो 2-4 घंटे के बाद में ही हमें इसको पलटना है। तब तक इसको नहीं पलटना है, नहीं तो ये बीच में से टूट जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने ये लास्ट गोल भी निकाल दिया है, और इसको भी मैं आपको बता देती हूँ, इसको भी मैं एक साथ ही डाल दूंगी। भी याद रहे फ्रेंड्स, इस पे थोड़ा त्रिपाल होता है, उसके ऊपर गीला कपड़ा घुमा दे ताकि वो जल्दी से आसानी से निकल जाएगी वापस राबड़िया पलटते वक्त। देखिए फ्रेंड्स, सारा एक साथ मैंने डाल दिया है, आप इसको अच्छे से फैला देंगे। फ्रेंड, ये निकल के सूखने के बाद में बहुत अच्छे से निकलने वाली है, आप ये टेंशन ना ले कि ये चूरा चूरा हो जाएगी, नहीं ये ऐसा नहीं होगा। और राबड़ी को फैलाते वक्त ज्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो वो सूखने के बाद में और पतली हो जाती है और बाद में वो स्टोर करके रखते हैं तब टूट जाती है। तो हमें थोड़ी सी इसकी लेयर मोटी रखनी है। गोल को बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम गोल को ही जल्दी जल्दी बना देना है।
फ्रेंड्स ध्यान रहे, मक्की के आटे को हमें बारीक पिसवाना होता है, राबड़ी का बोलते हैं, तो वो बारीक ही पीस के देते हैं, नहीं तो हमें दो बार उसको मैदे वाली छलनी में छान लेना है। इसका परफेक्ट मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी रबोड़ियां इसी तरीके से निकाल दी हैं। देख सकते हैं आप कितनी रबोड़ियां एक साथ में निकल गई हैं। इसके साथ इसमें मैंने एक आपके पास जितना छाछ हो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कम ज्यादा मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है, और भी मैं आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स एक दिन की धूप लगने के बाद में दूसरे दिन ये रबोड़ी इस तरीके से हो गई है। अभी इसको ओढ़नी पे निकाल दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। अभी इसको 2 दिन की धूप की और जरूरत है। धूप अगर आपके पास अच्छी निकल रही है आपके वहां, तो 2 दिन में ये अच्छे से सूख जाती है, नहीं तो 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। तो सारी रबोड़िया भी बच के एक चारपे पे निकाल दिए मैंने ओढ़नी पे, और इसको पलटते रहेंगे और धूप में अच्छे से सुखा देंगे। इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, गर्मी के दिनों में हरी प्याज के साथ में बना के खाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये पूरी अच्छे से सूख गई है 3 दिन की धूप लगाने के बाद में। आप देखिए पूरी राबोड़ी जो मैंने पूरा बड़ा बड़ा गोल एक साथ में बनाया था वो बनके इस तरीके से हो गए हैं, और ज्यादा टुकड़े बारीक भी नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखिए फ्रेंड्स कितनी एकदम आवाज आपको शायद आ रही होगी कि ये कैसे बनी है, तो आप भी बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।